मैं समय हूं, मेरा सदुपयोग कीजिए। मैं एक बार चला जाता हूं तो कभी लौट कर नहीं आता। जो मेरा सदुपयोग करते हैं वे जीवन में सुख को भोगते हैं। जो मेरी कीमत नहीं समझते वे जीवन भर दुखी रहते हैं। लोग मुझे काल के हिसाब से अलग अलग नामों से जानते हैं। आइए मेरे अलग अलग नामों को काल के हिसाब से आप भी जानिए। टाइम एंड पीरियड, समय और काल। मेरा सबसे छोटा यूनिट है जिफी, पल। जिफी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। जिफी समय की सबसे छोटी इकाई है, इज 100th ऑफ ए सेकेंड। ये सेकेंड का सौवां हिस्सा है। अगर आप जिफी की वैल्यू जानना चाहते हो तो उससे पूछिए जिसने अभी अभी ओलंपिक का मेडल खो दिया है कुछ पल की वजह से। दूसरा आता है सेकेंड, क्षण। सेकेंड एज फार एज कैलकुलेटिंग टाइम इज कंसर्न, इन नॉर्मल लाइफ वी कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट यूनिट एज सेकेंड। जहां तक रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है, सबसे छोटी इकाई हम सेकेंड को लेते हैं। अगर आप एक सेकेंड की वैल्यू जानना चाहते हो तो उससे पूछिए जिसका अभी अभी एक्सीडेंट होते होते बच गया। द सेकेंड यूनिट इज मिनट। इट इज ए पीरियड ऑफ 60 seconds। 60 सेकेंड का एक मिनट होता है। उससे बड़ी इकाई है आर, घंटा। आर इज ए पीरियड ऑफ 60 minutes और 3600 seconds। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, या हम कहें 3600 सेकेंड होते हैं। अगर आप एक मिनट की वैल्यू जानना चाहते हो तो उससे पूछिए जिसकी अभी अभी ट्रेन मिस हो गई है। अगर आप घंटे की वैल्यू जानना चाहते हो तो उससे पूछिए जो घंटे भर से किसी का इंतजार कर रहा है। फिर आता है डे, दिन। ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स इज कॉल्ड अ डे। 24 घंटे के काल को हम दिन कहते हैं। जनरली इट इज डिवाइडेड इंटू 4 पीरियड्स। इसे हम 4 काल में बांटते हैं, मॉर्निंग, सुबह, आफ्टरनून, दोपहर, इवनिंग, संध्या और नाइट, रात्रि। अगर आप एक दिन की वैल्यू जानना चाहते हो तो उससे पूछिए जिसे आज भी भूखा सोना पड़ा है। फिर आता है वीक, सप्ताह। ए वीक कंप्राइजेस ऑफ 7 days। सप्ताह 7 दिनों का होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 7 दिनों को मिलाकर सप्ताह बनता है। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक।
संडे सप्ताह का पहला दिन है। ए वीकेंड इज द टू ट्रेडिशनली नॉन वर्किंग डेज इन ए 7 डे वीक। 7 दिन के सप्ताह में 2 दिन जिस दिन कामकाज नहीं होता है उसे हम वीकेंड कहते हैं। समटाइम्स फ्राइडे नाइट काउंट्स एज द वीकेंड। कभी कभी हम फ्राइडे की शाम से ही वीकेंड मानते हैं। एक सप्ताह की वैल्यू हमें एक साप्ताहिक संपादक यानी कि वीकली एडिटर से बेहतरीन कोई नहीं बता सकता है। अगला है फोर्टनाइट पखवाड़ा। इट इज ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स। ये 2 सप्ताह से बनता है पखवाड़ा। और या ए पीरियड ऑफ 14 कंसेक्यूटिव डेज। 14 लगातार दिनों को हम फोर्टनाइट कहते हैं। एक पखवाड़े की वैल्यू आपको वही बता सकता है जो अभी अभी इंटरव्यू देके आया है और उसे कहा गया है कि 15 दिन में आपको जवाब मिल जाएगा। द नेक्स्ट यूनिट इज मंथ महीना। इट इज ए पीरियड ऑफ 30 और 31 डेज। ये 30 या 31 दिन का काल होता है। या इन फेब्रुअरी इट इज 28 और 29 डेज। फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं। अगर एक महीने की वैल्यू जाननी हो तो उस औरत को पूछो जिसने अभी अभी एक प्रीमैच्योर बेबी को जन्म दिया है। फिर है क्वार्टरली त्रैमासिक तिमाही। क्वार्टरली इज ए पीरियड ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स। 3 लगातार महीनों को हम क्वार्टरली कहते हैं। उसके बाद आता है हाफ ईयरली अर्धवार्षिक। हाफ ईयरली एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स इज ए पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स दैट इज हाफ ऑफ द ईयर। नाम से ही पता चलता है कि अर्धवार्षिक है। साल में 12 महीने होते हैं, आधे साल में 6 महीने होते हैं, तो अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने के काल को हम अर्धवार्षिक कहते हैं। अब आता है हमारा पहला बड़ा पड़ाव। इसे हम ईयर एनुअल साल सालाना कहते हैं। ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और 365 डेज इज कॉल्ड ए ईयर। 12 महीने या 365 दिन को हम साल कहते हैं, वर्ष कहते हैं। एन ओकेशन हैपनिंग एवरी ईयर इज एनुअली। कोई भी घटना या समारंभ जो हर वर्ष मनाया जाता है उसे हम एनुअली कहते हैं। एन ओकेशन विच हैपेंड इन द पास्ट एंड इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इज कॉल्ड एनिवर्सरी। कोई भी घटना या समारंभ जो भूतकाल में हो गई है लेकिन हर वर्ष मनाया जाता है उसे हम वर्षगांठ कहते हैं। जैसे वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की वर्षगांठ, बर्थ एनिवर्सरी जिसे हम बर्थडे भी कहते हैं, डेथ एनिवर्सरी और कोई भी हो सकता है। अगर आप
एक वर्ष की कीमत जानना चाहते हो तो उस बच्चे से पूछो जो इस वर्ष भी सीए या सीईट का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया है। अब आता है बायनल द्विवार्षिक, हैविंग ए लाइफ साइकिल लास्टिंग टू सीजन्स, जो दो सीजन्स तक चलता है, ऑकरिंग एवरी सेकेंड ईयर, या दो साल में एक बार होता है, जैसे कि पार्सनिप चुकंदर एंड कैरेट्स गाजर, ये बायनल प्लांट्स हैं। अगला बड़ा पड़ाव है डिकेड, दशक। ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स इज कॉल्ड ए डिकेड, 10 वर्ष के काल को डिकेड कहा जाता है। एग्जाम्पल, सेंसस इज डन वंस इन ए डिकेड, जनगणना 10 वर्ष में एक बार की जाती है। फिर आता है सेंचुरी, सदी। ए पीरियड ऑफ 100 इयर्स इज कॉल्ड ए सेंचुरी, 100 वर्ष के काल को सदी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। अगला है मिलेनियम, सहस्ताब्दी। ए पीरियड ऑफ 1000 इयर्स इज कॉल्ड मिलेनियम, 1000 वर्ष के काल को सहस्ताब्दी कहा जाता है। अमिताभ बच्चन इज द स्टार ऑफ मिलेनियम, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं। इसके बाद बड़े बड़े काल हैं जिनका हम लोग अक्सर उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। डेक्का मिलेनियम, 10,000 साल के काल को डेक्का मिलेनियम कहते हैं। सेंटा मिलेनियम, 1,00,000 साल को हम सेंटा मिलेनियम कहते हैं। मेगा मिलेनियम, 10,00,000 वर्ष के काल को मेगा मिलेनियम कहते हैं। दोस्तों, अब तक आप जिफी से लेके मिलेनियम तक को समझ चुके होंगे, और मुझे उम्मीद है कि अब आप मेरा सदुपयोग करोगे। मुझे आपने अपना समय देकर सुना, इसके लिए धन्यवाद। इन सभी इकाइयों को याद कीजिए और समय का आनंद लीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।